जेनी आपकी ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, क्या आप हाय, हेलो, हाउ आर यू से ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में जितनी भी बात करें वो फ्लुएंट हो और सही हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के लेसन में मैं 12 बेसिक फ्रेजेस सिखाने वाली हूँ, जिन्हें आप हर दिन यूज़ कर सकते हैं और ये आपके इंग्लिश इम्प्रूव करने में भी बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में बात करने में लोगों को जो प्रॉब्लम फेस होती है वो एवरीडे इंग्लिश को लेकर ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के फ्रेजेस नहीं पता, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बोले जाते हैं, वो नहीं पता होता। इसी वजह से अक्सर लोग अपनी बात को इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उन्हें इंग्लिश बोलते वक्त अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो आज का लेसन डेफिनेटली आपके लिए है। इनफैक्ट जो लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं ना, उनके लिए भी ये लेसन है, क्योंकि हर एक दिन हम कुछ नया सीखते हैं नहीं, और इंग्लिश इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, इतने सारे फ्रेजेस हैं कि हम रोज़ भी कुछ नया सीखें ना तो भी कम है। तो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले इन फ्रेजेस को याद करने की कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँगी ताकि आप इन्हें भूले नहीं। ट्रिक है कि आप इन्हें 3 से 4 बार बोलिए ताकि आपको ये फ्रेजेस याद रहें। और दूसरी ट्रिक है कि आप इन्हें अपनी आवाज़ में फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपको फ्रेजेस भी याद हो जाए और आपको आपकी जो प्रोनंसिएशन है वह भी ठीक होती जाए। ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत इम्प्रूव किया है ये करके, तो सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है? पहला फ्रेज है एक्सक्यूज़ मी। अगर आपको कहीं से निकलना है और किसी ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तब आप ये फ्रेज़ यूज़ करके वहाँ से निकल सकते हैं। आप एक्सक्यूज़ मी कहकर निकल सकते हैं। आप इस फ्रेज़ का यूज़ किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक्सक्यूज़ मी सर यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। माफ़ कीजिएगा सर, आपका वॉलेट नीचे गिर गया है। एक्सक्यूज़ मी डू यू नो वॉट टाइम इट इज़। माफ़ कीजिएगा, क्या आपको पता है कि समय क्या हो रहा है? ये होता है ना, कितना बेसिक है लेकिन कितना अच्छा है। दूसरा है आई एम सॉरी। आई नो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है अच्छे से सुनिए। इस फ्रेज़ का यूज़ आप छोटी या बड़ी चीज़ों की गलती की माफ़ी के लिए कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल देनी है तो आप इसके साथ फॉर ऐड करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे आई एम सॉरी के बाद। जैसे कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो रूड। मैं बहुत रूड होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर व्हेन यू नीडेड मी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। तो देखा दोस्तों, नॉर्मल आई एम सॉरी बोलने के साथ साथ आप इसे भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है व्हाट डू यू थिंक। इस फ्रेज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी की ओपिनियन या राय जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं उसे, तुम्हें क्या लगता है, ऐसे हम पूछते हैं ना अपने दोस्तों, क्या लगता है तुम्हें, ठीक उसी का मतलब इंग्लिश में है। आई एम नॉट श्योर वी शुड पेंट द रूम येलो और ब्लू, व्हाट डू यू थिंक। मुझे नहीं पता कि रूम को येलो पेंट करें या ब्लू, तुम्हें क्या लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप कोई भी सिचुएशन को लेकर आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला फ्रेज, हाउ डज दैट साउंड। दोस्तों, इस फ्रेज का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपने कोई प्लान या आइडिया सजेस्ट किया हो और आप जानना चाहते हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं कैसा रहेगा। जैसे लेट्स गो फॉर अ रोड ट्रिप विद ऑल कॉलेज फ्रेंड्स, हाउ डज दैट साउंड। कॉलेज के सारे दोस्तों के साथ
रोड ट्रिप पर चलते हैं, कैसा रहेगा? वाओ, एक्साइटिंग रहेगा। एक और एग्जांपल, आई एम थिंकिंग ऑफ हायरिंग अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर फॉर द ऑफिस इवेंट, हाउ डज दैट साउंड? मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस की इवेंट के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर किया जाए, कैसा रहेगा? दोस्तों, ये फ्रेज का इस्तेमाल आप अपने दोस्तों के साथ या ऑफिस में भी कर सकते हैं। अगला है, दैट साउंड्स ग्रेट या परफेक्ट या ऑसम। दोस्तों, ये फ्रेज तब यूज़ किया जाता है जब आपको कोई आइडिया या प्लान पसंद आ जाए और आपको रिस्पॉन्ड करना हो, तो सिर्फ ओके बोलने की जगह आप ये फ्रेज बोलेंगे तो अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी मॉम आज केक बना रहे हैं, आप हम मेरे घर चल सकते हैं और खा सकते हैं, कैसा रहेगा? और सामने वाला बोले, यार मज़ा आएगा, चलते हैं। माय मॉम इज़ बेकिंग अ केक, वी कैन गो टू माय हाउस एंड ईट, हाउ डज दैट साउंड? दैट साउंड्स ऑसम, या फिर दैट साउंड्स ग्रेट, या फिर दैट साउंड्स परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अगला है, ओ नेवर माइंड। नेवर माइंड इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी को कोई आइडिया या किसी ने आपको कोई आइडिया सजेस्ट किया है या कोई बात की बता रहे हैं या फिर आप उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। होता है ना कई बार कि हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या कोई आइडिया देते हैं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता। ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कहते हैं, जाने दो, कोई बात नहीं, है ना? आप रूड भी नहीं हो सकते उनके साथ और आपको पोलाइट भी रहना पड़ता है। तो आप इस फ्रेज का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे, ओह नेवर माइंड, आई विल डू इट, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। कोई भी काम होगा तो आप इसी तरह बोलेंगे कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, ओह नेवर माइंड, आई विल डू इट। समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला फ्रेज कौन सा है। अगला है, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है? जब आप कोई नया वर्ड या नया फ्रेज सुनते हैं या ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और पूछ सकते हैं। आप कैसे पूछेंगे? व्हाट डज दैट मीन? एग्जांपल, व्हाट डज फॉन्ट मीन? फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट इज़ द स्टाइल ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स व्हेन यू टाइप। फॉन्ट एक स्टाइल होता है लेटर्स या नंबर्स का, जब यूज़ करते हैं ना आप टाइप करते वक्त, उन्हें फॉन्ट कहा जाता है। समझ में आया? तो आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट, इसे कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये होता है कि इसे कैसे लिखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश स्पेलिंग्स काफ़ी ट्रिकी होती हैं, ये आपको पता है। आपको ये क्वेश्चन तो याद होना फिर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो कोई वर्ड बोल रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, तब आप ये क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि प्लीज़ आप दोबारा बोलेंगे। तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट, मतलब आप दोबारा बोलेंगे या तो फिर आप इसकी स्पेलिंग बता देंगे कि इसे कैसे बोला जाता है ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना? चलिए देखते हैं अगला फ्रेज कौन सा है। दोस्तों, अगला फ्रेज बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है लेकिन काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। वो है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, इसका मतलब है तुम क्या करते हो। अगर आप किसी से उनकी जॉब या प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जिसे सवाल पूछ रहे हैं उसका नाम भी जोड़ सकते हैं क्वेश्चन के अंत में, क्वेश्चन के एंड में। ऐसा करने से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाट डू यू डू जेन, व्हाट डू यू डू जेन, तुम क्या करती हो जेन, समझ में आया? या फिर व्हाट डू यू डू जेनी, जेनी तुम क्या करती हो? आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम यू आर, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम यू आर। अगर आप किसी से पहले मिल चुके हैं लेकिन दूसरी बार मिलने पर आप उनका नाम भूल गए हैं, तब आप ये फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, ये मेरे साथ होता है और अक्सर होता है लोगों के साथ, और कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा आपका नाम याद नहीं आ रहा, आपका नाम क्या था, तो फिर आपको सामने वाला बता देगा कि उनका नाम ये था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला फ्रेज। अगला है, आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट और मिनट,
आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट और मिनट, इसका मतलब है मैं एक मिनट में आया। आप इस फ्रेज का यूज़ तब कर सकते हैं जब आपको पार्टी में से या मीटिंग में से उठकर जाना हो कुछ देर के लिए किसी ज़रूरी काम की वजह से, या फिर आप जाना चाहते हैं तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे बोलेंगे आई विल बी विथ यू इन अ मिनट या फिर इन अ मोमेंट। समझ में आया दोस्तों? काफ़ी आसान है और काफ़ी स्मार्ट फ्रेजेस है, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले फ्रेज की तरफ जो कि है I have to run, can we continue later? I have to run, can we continue later? मुझे जाना है जल्दी, क्या हम ये बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं? इस फ्रेज का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप बहुत लेट हो रहे हैं या फिर आप बात को ख़त्म करना चाहते हैं। यह एक पोलाइट फ्रेज है दोस्तों, आप बहुत ही पोलाइटली इसे बोल सकते हैं कॉन्वर्जेशन आपकी ख़त्म करने के लिए या बंद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी फ्रेजेस आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।